नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी और मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति का समय आता है, यानी नौकरी से अवकाश। ऐसे में व्यक्ति को एक नई जिंदगी यानी एक नई ऊर्जा मिलती है। जो नौकरी रहते वो नहीं कर पाता, वो रिटायरमेंट के बाद नए नए सपने बुनता है और कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। 31 अगस्त को आज मध्यांचल ग्रामीण बैंक में कार्यरत सुनील सेन रिटायरमेंट हो गए और उनकी रिटायरमेंट पर बैंक के द्वारा उनको भावभीनी विदाई समारोह में विदाई दी गई। उस वक्त बैंक के सभी स्टाफ एवं सुनील सेन के परिवार के जन मौजूद रहे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सुनील सेन जी, जिन्होंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक में नौकरी की है और आज रिटायरमेंट हुए हैं। करीब 36 साल की उन्होंने नौकरी की है। इस नौकरी के दौरान उन्होंने किस तरह के लम्हे देखे, किस तरह से अब और पहले में उतार चढ़ाव देखा, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्ते, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। नौकरी बढ़िया, आज मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और यहाँ तक मुझे ध्यान है। हमेशा से ही मैं फील्ड का चित्र रहा है मेरा। फील्ड के अलावा कैशियर की जितने भी दायित्व हैं मेरे द्वारा पूर्ण किए गए और ग्राहक को संतुष्टि मिले वो काम किया है। मतलब ग्राहक परेशान ना हो, क्योंकि ग्राहक की जो ग्रामीण इलाके का ग्राहक है वो ग्रामीण बैंकों में ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा सुविधाएँ मिलने लगी हैं, मिलती हैं। और हम लोगों का यही प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो परेशान ना हो। इतनी दूर से चल के आता है बेचारे, जो जिनको पेंशन मिलती है 600 रुपये महीने, और वो अगर मान लो 10 किलोमीटर दूर से चल के आया और हमारे द्वारा उसको ये जवाब दिया जाता है कि पेंशन अभी नहीं आई, तो उसके मन में बहुत जोर से ठेस लगती है। तो पहले बैंक का जो कार्य है और अब जो कार्य है, उसमें कितना अंतर आपने देखा है? अंतर तो बहुत आ रहा है। पहले क्या था, टोटल बैंकिंग थी, आजकल बैंकिंग कम और म्यूचुअल फंड वगैरह ये ज़्यादा है। SBI लाइफ, ये क्या है, ये एक वो बता दिया कि बैंक की एक अतिरिक्त आय है, लेकिन इसमें ग्राहकों को परेशानी होती है कभी कभी। जैसे आपने 36 साल की आपकी नौकरी करी है आपने, तो आपने गुनाह के अलावा और कहीं भी? हाँ, गुनाह के अलावा मैं पिछोर रहा हूँ, कक्कायू के इलाके में खतौरा रहा हूँ 1 साल। शिवपुरी जिले में कम से कम आधी ब्रांच है, कम से कम मेरे द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आधी ब्रांचों से ज़्यादा मतलब काम किया है इसी पद पर। तो कैसा नहीं, बहुत बढ़िया तालमेल रहा मेरा, बहुत बढ़िया। और कभी स्टाफ के साथ या मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी थे या मोस्ट सीनियर अधिकारी, कभी किसी कोई दिक्कत नहीं आई, ना मेरे से उनको, ना उनको मेरे से। हमेशा अपने दायित्वों को पूर्ण करता रहा। जो आने वाले लोग हैं, भविष्य के बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अब आप? वो पहली बात तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि आजकल हम तो आउट ऑफ कवरेज हो गए। सही बात तो ही है, हम आउट ऑफ कवरेज हो चुके हैं। और वो जितने इस फील्ड में मास्टर हैं शायद उतना हम लोग नहीं हैं। तो आप रिटायर हो गए, तो क्या करना चाहेंगे अब आप? अब सर विचार तो अभी 1-2 दिन तो लगेंगे। अभी आप घर पर रहकर काम करना चाहेंगे या फिर अभी भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो? नहीं, एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य इनमें रुचि लेना चालू करूँगा। अभी विचार बनाऊँगा मैं 1-2 दिन, क्योंकि 35 साल बाद आज मैं बिल्कुल अपने दायित्व से पूर्णता मुक्त हुआ हूँ। देखिए, हमारे साथ ये थे, उन्होंने करीब 36 साल की नौकरी की और अपनी नौकरी के वो लम्हे देखे उन्होंने, वो दिया है जो अब पहले और उसमें बहुत अंतर आया है। पहले
कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, अब कंप्यूटराइज पूरी शाखाएँ हो गई हैं और कई तरह की योजनाएँ भी शुरू हो चुकी हैं और लगातार काम भी बढ़ा है। उसको देखते हुए उन्होंने काम किया है, हम भी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।